हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शब्द की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की आज रात की एक दूसरे के लिए ट्रूली फीलिंग्स, क्या कुछ सोचोगे, क्या कुछ फील करोगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा फीटा ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है आज रात के आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, या आपकी फीलिंग्स हैं और ये आपके पार्टनर की। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स की बात करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हो जाती है तो फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यस, यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम में यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, तो अगर ठीक से आप देखोगे तो ये पर्सन भी इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच रहा है और ये पर्सन भी इस वक्त इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। बॉटम में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रांगली चांसेस आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ओके, आज रात की अगर बात करो ना तो आपको ना बहुत दिल करेगा। पहले तो आपका इस तरह से कि एक बार इनसे बात करके सामने से इनसे क्लैरिटी लेनी है आपको कि आखिर इस रिश्ते से वो चाहते क्या है, क्या अभी भी आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए, क्या ये कभी आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और क्या मैं ऐसे ही पागलों की जैसी तरह इंतज़ार करते बैठूं। आप ऐसा कुछ इनको कॉल मैसेज करना चाहते हो, परेशान हो चुके हैं इनके एनर्जी से, जो इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, किसी और के पास चले गए थे, फिर भी आप जो कि आज भी इनको माफ़ करने के लिए रेडी हो लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं आता है, तो आपका दिल बहुत करेगा कि एक बार जाके ना चाहे झगड़ा हो जाए लेकिन मुझे ना इससे बात करनी ही चाहिए। लेकिन आपको ये भी फील होता है कि अगर मैं ऐसा कुछ मैसेज कर भी देती हूँ तो सामने से रिप्लाई नहीं करता या आपको इग्नोर करता है, इस वजह से आप एक्शन लेते रहते, मतलब रुक जाओगे। एक्शन लेने के थॉट्स आपके माइंड में आज रात बहुत आएंगे लेकिन जब जब दिल करेगा तब तब आपको यही लगेगा कि ये मुझे झगड़ा करेगा या गलत सलत बोलेगा और जो कि शायद मुझे रिप्लाई भी नहीं करेगा, ऐसा लगेगा। फिर जो कि आप नहीं एक्शन लोगे, मूव ऑन करने का दिल करेगा, हाँ ये मुझे छोड़ के तो गया था ना पास में, तो अब मैं ही क्यों इसका इंतज़ार करूँ, मैं भी मुझे मतलब आपको चांसेस बनते हैं कि कोई ऐसा पर्सन मिल चुका है जो आपको इनसे भी ज़्यादा बेटर मतलब लगने लगा है, हो सकता है, ठीक है। तो आपका दिल कर रहा है उसके पास, जैसे कि उसका ऑफर स्वीकार करने का, उसके पास जाने का और आपके इस पार्टनर से मूव ऑन करने का। आप इसी तरह से आज रात इसी तरह से सोचने वाले हो और जो कि ना चाहते हो मूव ऑन करोगे, मतलब जाना तो नहीं है लेकिन जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपको कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, द लवर्स का कार्ड है, आपको हमेशा यही फील हुआ था कि ये मेरा सोलमेट है और जो कि भगवान ने हमको मिलाया है, भगवान हमें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं करेगा, हमारा रीयूनियन भी फ्यूचर में होगा। ये बात आपने हमेशा सोच सोच के आज तक आपने इसी तरह से एनर्जीज को फेस किया है, इंतज़ार इनका बहुत किया है लेकिन जो कि आज भी आपको इनका एक्शन नहीं आया है और आज रात भी आप इसी तरह से सोचोगे, परेशान हो चुके हो, जो कि आपका दिल कर रहा है किसी और का ऑप्शन, किसी और का ऑफर स्वीकार करने का और इनसे मूव ऑन करने का। आज रात आपकी फीलिंग्स यही रहने वाली है आपके पार्टनर के लिए, आप थक चुके हो इनके इग्नोरेंस से। हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी आज रात। ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, इनको तो खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है क्या कभी, मतलब मैं आपके माइंड में थॉट्स आ रहा है लेकिन चांसेस बनते हैं कि इनकी तरफ से आपको कुछ एक्शन ही आ जाए, ठीक है। इनको भी यही लग रहा है जो आपको लगता है कि अगर मैं बात करूँगा तो झगड़ा हो जाएगा, और इनको भी यही लग रहा है, ये बात करना चाहते हैं। स्ट्रांगली चांसेस है इनकी तरफ से आपको आज रात कुछ कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा, ये परेशान रहेंगे और परेशानी में आपको ओवर थिंकिंग करते करते कुछ कॉल मैसेज करेंगे। इस तरह की एनर्जीज आपको आज रात बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले, आपके सारे अकाउंट स्टॉक करेंगे और आपकी फ़ोटोज़ आज रात बहुत ज़्यादा देखेंगे और इनका पैशन आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल होने वाले क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। स्ट्रांगली चांसेस बनते हैं आप इनसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो आप सच में खुश हो भी सकते हो क्योंकि आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो इनको दिखाई देने लगा है और ये आपको पूछना चाहते हैं कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, क्या तूने सच में इस बात पे भरोसा कर लिया कि हम मैं कभी भी तेरे पास वापस नहीं आऊँगा। या आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने आज तक आपसे अपनी हर एक फीलिंग हाइड करके रखी है,
लेकिन यही फीलिंग्स वो आपको बताना चाहते हैं। चांसेस बनते हैं आपको ऐसा कुछ मैसेज करेंगे जिससे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे ये तो सच में मेरे लिए पैशनेट है, अरे ये तो सच में मुझे मतलब कि दिल से लाइक करता है। इनके दिल में जो भी चल रहा है ना, जो आप जानने की कोशिश कर रहे थे इतने दिनों तक, ऐसा कुछ बताएंगे आज रात आपको, जिससे कि आपको दिल, आपके दिल को सुकून मिलेगा और फिर आपके अंदर एक पावर आ जाएगी इस तरह की कि आप इनसे फिर से सोर्स वाले एनर्जीज में चले जाओगे। अच्छा ऐसा है तो बोल ये करेगा, मतलब कि अगर आप चाहते थे इनसे शादी करना, अच्छा अब मैसेज कर ही दिया है तो ये भी बता दे क्या शादी करेगा कि बस टाइम पास करना चाहता है आगे भी और आके फिर से चला जाएगा। ये एक्शन लेंगे और आप उनको रिप्लाई में कुछ गलत बोलोगे, ठीक है, रूड एनर्जी दिखाओगे और इनको यही लगेगा कि दिल बहुत करेगा बात करने का, एक्शन लेने का, इनका मूवमेंट भी आपको आएगा, जैसे कि आपको लगता है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, इनको भी आपकी तरफ से यही एनर्जी फील होगी। हो सकता है कि आप मतलब सोचोगे और एक्शन नहीं लोगे, रुक जाओगे और यही फीलिंग्स इनकी रहेगी और ये अपनी तरफ से एक्शन ले लेंगे और वैसे सेंड हो जाएगा और वो पढ़ते पढ़ते आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो अभी तक सुधरा ही नहीं है, ये अपने दिल की सच्चाई आपके सामने रख देंगे लेकिन आपको वो सच्चाई पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होगा ये तो अभी भी उसी एनर्जीज में है या अभी भी चेंज नहीं हुआ है, इसका मैं करूँ क्या, अचार डालूँ, मतलब इसमें ना आपको अपना फ़ायदा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फ़ायदा मतलब कि आपका एक ही है कि आप इनको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो और ये जो कि आपका हमेशा के लिए बनना नहीं चाहते क्योंकि इनकी फैमिली आपको स्वीकार नहीं कर पाती है। ऐसा ही कुछ आपको अपने दिल की फीलिंग्स बताएंगे जिससे कि आप फिर से उनको मतलब गलत सलत बोल के अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहोगे, इस तरह की एनर्जीज है। और ये वो जो भी बोलेंगे ना आपसे, आप गलत ही उनका आंसर करोगे, उल्टा रिप्लाई करोगे जिससे कि इनका फिर से आपसे बात करने का दिल ही नहीं करेगा और फिर जो कि रिश्ते से मुआन करने के बारे में सोचेंगे। फिर से एक बार तो मुआन करके गए हैं, फिर से जाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की एनर्जीज हैं। तो अगर आप ये रिश्ता चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर जो कि मुझसे मुआन नहीं होना चाहिए, तो ये जो भी आपसे बात करेंगे बहुत जल्द करेंगे। आज रात भी इनकी तरफ से एक्शन आ सकता है लेकिन एक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको गुस्से में कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है, इनके मैसेज पढ़ो जो बोल रहे हो वो पढ़ो और अगर गुस्सा आ रहा है ना पढ़ते पढ़ते तो उस टाइम पर रिप्लाई ही मत करो, मॉर्निंग में रिप्लाई करो या दो चार घंटों के बाद रिप्लाई करो जिससे कि आप सही रिप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इंसान गुस्से में जो भी बोलता है उसका नतीजा हमेशा गलत ही निकल के आता है, ठीक है। अगर ये रिश्ता चाहते हो तो यस, हम देखते हैं एंजल गाइडेंस के आपके लिए ट्रू मैसेज देनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ट्रू मैसेज देनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आस्क यूर एंजल्स, यस आप रात को सोते टाइम अपने भगवान से बातें करो और इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचो और भगवान से पूछो कि आखिर आपका इनके साथ फ्यूचर है क्या। आपको कुछ विजन्स बहुत जल्दी आने लगेंगे। अगर आपको लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो नहीं, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ आपको धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आ जाएगा। यू आर रेडी, आप रियूनियन के लिए रेडी हो, चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ना चेंज करना है, बहुत तंग आ चुकी, मूव ऑन करना है, अगर दिल से लग रहा है मूव ऑन करना है तो कर लो मूव ऑन, इस तरह से आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। लेकिन यस आपका ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, यस लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जो इनकी तरफ से मैसेज में ऐसा कुछ रहेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए तो रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस गुस्से में ऐसा कुछ मत बोलो कि जिसके बाद की चाह कर भी ये फिर से आपके लिए एक्शन ना ले, इस तरह के एनर्जीज है, ठीक है। तो यस यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है स्क्रीन पे देखे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।